देवेंद्र कहाँ गए, आए नहीं? देवेंद्र जी काफी देर से आए थे, अभी एक्यूप्रेशर के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हमारे बीच विद्वान जन कुछ मिनटों में ही पधारने वाले हैं, उनके विचार सुनेंगे। वे सब हम लोगों के बीच आए इसके पूर्व हमारे संत जन हैं, उनके विचार सुनते हैं। कई संत हैं, एक को दूं पहले। गुरुमन साहब बैठे हैं, आप थोड़ी देर बोले। और ये जो माताएं बैठी हैं, उन लोगों से निवेदन है, शादिकाओं के लिए सीट आरक्षित है, आप लोग इधर आ जाइए। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, उन लोगों को बताओ, ये जो माता बहनें उधर बैठी हुई हैं, आप लोग इधर आ जाएं। उधर अभी साध्वियाँ आएंगी, उनके लिए जगह छोड़ दें आप लोग। हाँ बोलिए, थोड़ी देर बोलिए। सद्गुरु देव की। आप लोगों में से ऐसा लगा कि सब मौन हो गए हैं, घबरा गए क्या? चिकित्सा पद्धति सुन करके प्रसन्न होना चाहिए कि एक उपाय मिला, तो जोर से जयकारा लगाएं। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की। परम पूज्य श्री साहेब जी, मुदमंगल में संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर साहेब हमारे जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी बातें कहते हैं। वे जो बात कहते हैं वह विवेक के धरातल पर तौल कर कहते हैं। उनकी बात आकाशी नहीं होती है, काल्पनिक नहीं होती है। कुछ बातें अनुभवजन्य और कुछ बातें जीवन में तौल करके कहते हैं। कबीर साहब अपनी सारी बातें मनुष्यों से कहते हैं, जो प्रत्यक्ष में हैं, सामने हैं, उन्हीं मनुष्यों को आप देवी कहें, देवता कहें, भगवान कहें। उनकी धारणा ऐसी नहीं होती है जो कल्पना लोक में तैरती हो। हमारी आदत है कि हम मन के कुलावे मिलाते रहते हैं, सोचते रहते हैं ऐसा होगा तो ऐसा क्या है, ऐसा कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, तरह तरह के तरह तरह की बातें सोचते रहते हैं। लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कबीर साहब जो बात कहते हैं वह प्रमाणित तो होती है, उनकी बात में, उनके विचारों में सामंजस्य ऐसा स्थापित होता है कि आप कोई बात काट नहीं सकते हैं। आदमी की आदत होती है, गुरुदेव जी एक सूत्र कहा करते थे कि कुछ बातें जानने की होती हैं, कुछ बातें करने की होती हैं। हम सब जानने के लिए तो दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन उन बातों का प्रयोग जीवन में नहीं हो पाता है। जानते हुए भी सब कुछ अनजाना रह जाता है। छोटी छोटी बातों को कौन नहीं जानता है। प्रेम करना चाहिए,
दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जब हमारे मन में विद्वेष होता है तो हमारा मन कैसा हो जाता है, ईर्ष्या किसी के प्रति होती तो कैसा हो जाता है। यह बातें सुनने में और जानने में कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन जीवन में नहीं आ पाता है। चाहे कोई नशा की बात हो, अंधविश्वास की बात हो, कोई भी बात हो, हम सब जानते हैं, लेकिन जीवन में हम उसे अपना नहीं पाते हैं। कैसे हम समझें कि हम सत्संग करते हैं, संतों के पास जाते हैं, उनकी ज्ञान की चर्चा सुनते हैं, सुनते हैं तो उसका आचरण भी होना चाहिए। मन ऐसे शांत नहीं होता है। ये सत्संग मनोरंजन के लिए नहीं है, मन भंजन के लिए होता है। हमारा मन जो आज तक बहता चला रहा है, भटकता चला रहा है और दिवा स्वप्न देखता चला रहा है, इस मन को स्थिर करना होगा, शांत करना होगा, उसके लिए प्रयास करना होगा। और वह सब कुछ उपाय इन संतों के सानिध्य से मिल सकता है, सत्संग से, इनकी वाणी से मिल सकता है। और सदगुरु कबीर साहब की सारी वाणियां इससे ओत प्रोत हैं। मानवीय धरातल पर जीना, अंधविश्वास से बचकर रहना, जीवन में दो ही बातें हैं। साहब जी भी कहा करते हैं, भजन क्या है। साहब जी की एक छोटी सी पुस्तिका निकली है श्रद्धेय संत श्री गुरुभूषण साहब जी की, भजन क्या है। छोटी सी पुस्तक में भजन के संबंध में बहुत कुछ साहब ने कह दिया। वो सूत्र रूप में कहा करते हैं कि भजन का मतलब है कि जीवन के धरातल पर जीना, या सदगुरु कबीर साहब की भाषा में कह लें कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। दो ही बातों में तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन यही दो बातें रह जाती हैं, बाकी सब कुछ होता रहता है। हम मनुष्यता के धरातल पर स्थिर होकर के जब सोचेंगे तब कुछ होगा, नहीं तो कल्पना लोक में बहते चले आ रहे हैं। अमुक जा देवी देवता, जादू टोना, भूत प्रेत आडंबर, जितनी भी ये कल्पना लोक की बातें हैं हमारे मन को स्थिर रहने नहीं देती हैं, भटकाती रहती हैं। और आजकल यही सब कुछ सिखाया जाता है, कहीं भी देखें ऐसी ऐसी बातें जो हमारे जीवन से कुछ भी उनको उन बातों से प्रेरणा नहीं मिलती है, ऐसी बातें केवल कहते रहते हैं और हम लोग सुन करके मगन होते रहते हैं। शांत कैसे मिलेगी, हमारा उद्देश्य कैसे पूरा होगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये जीवन का उद्देश्य केवल बातचीत में गंवाना नहीं है। इन सब बातों को हम ठीक से समझें तब हमारा उद्देश्य पूरा होगा। और सदगुरु कबीर साहब के विचारों से, उनके अनुयायी होने का, उनके समर्थक होने का, तभी हम समझ लो पूरा लाभ उठा सकेंगे, नहीं तो गाते रहेंगे और कुछ भी होने वाला नहीं है। हमारा जीवन बहुत क्षणिक, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं इस जीवन को, भटकते रहते हैं मन की बहकावे में कि अरे अभी क्या है, अभी तो बहुत जीना है, बहुत समय है, ऐसा करूंगा तो फिर ऐसा करूंगा, ऐसी नौकरी करूंगा, पैसा कमाऊंगा, मकान बनाऊंगा, बहुत चीजों में। हमें तो केवल जीवन जीना चाहिए, ये सब बातें अपने आप हो जाएंगी। जिन बातों के लिए हम समय गवाते हैं वह बातें स्वाभाविक होती हैं, उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जिन चीजों को, जिस चीज के लिए प्रयास करने की जरूरत है, उस चीज को हम करते नहीं हैं। जीवन के लिए सब कुछ आवश्यक है। सदगुरु कबीर साहब, आज ये कबीर गोष्ठी है, अभी विद्वानों के विचार, संतों के विचार सुनेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, कबीर साहब के विचारों को सुनते हुए भी
अनसुना ना करें, उसे आत्मसात अवश्य करें, तब हमारा जीवन कबीरमय होगा और कबीर की वाणी हमारे हृदय में प्रवेश करेगी। तब हम जो हमें मनुष्य तन पाने का लाभ है वह मिलेगा और पूरा लाभ हमको लेना है। सदगुरु संतों के सानिध्य में आए हैं, इतनी मेहनत करते हैं, परेशानी उठाते हैं, तो निश्चित है मैं समझता हूं कि आप लोग इस पर ध्यान देंगे तो अवश्य लाभ होगा। हमारे बीच बहुत बड़े बड़े विद्वान संत और विद्वान लोग आए हैं, उनकी वाणी सुनना है। मैं साहेब जी की आज्ञा पालनार्थ दो मिनट कुछ मिनट अपनी बात रखी, मैं और अधिक कुछ नहीं बोलूँगा और अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। हेलो, हमारे बीच हमारे इस विचार गोष्ठी में विद्वद्गण पधार चुके हैं और इस गोष्ठी के संचालन के लिए मैं अपने साथी देवेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं कि वो गोष्ठी का संचालन करें। देवेंद्र जी आ जाएं। मंच पर उपस्थित संतजन, सज्जनों तथा देवियों, कबीर विचार गोष्ठी एक महत्वपूर्ण अवसर है इन तीन दिनों के कार्यक्रम का। आप सबसे निवेदन है कि शांति बनाए रखें। हमारे बीच में हमारे कुछ अतिथि जिन्हें हमने बुलाया है बिना किराया दिए, जिन्हें बुलाया है वो लोग आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं। हम इस बात को भली भांति महसूस करते हैं कि जो आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो अपने साधु गुरु और संतों को सुनने के लिए ही आए हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में यह होता है कि कबीर साहब के बारे में, सद्गुरु कबीर के बारे में जो और लोग हैं वो किस ढंग से सोचते हैं, किस ढंग से कहते हैं, इसलिए हम उन्हें यहाँ पर बुलाते रहे हैं। सबसे पहले कार्यक्रम के प्रारंभ में हमारे बीच में हमारे संत हैं, संत श्री रणजीत साहब जी। आपकी कई पुस्तकें हैं, काफ़ी लिखते हैं, काफ़ी परिश्रम करते हैं, लिखते हैं, छापते हैं, बेचते हैं, सब काम करते हैं। आप हमारे बीच में हैं, आपसे निवेदन है कि थोड़ी देर के लिए आप अपनी वाणी से हम लोगों को लाभान्वित करें। श्री रणजीत साहब, सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब को नमन करता हूँ, मेरे पूज्य गुरुदेव का स्मरण करता हूँ, संत श्री अभिलाई साहब जी का। मंचासीन मुद मंगलमय संत समाज, प्रबुद्ध श्रोताओं,
माताओं, बहनों और बच्चों, आकाश की शोभा सितारों से नहीं होती, चांद और उसकी चांदनी से होती है। किसी घर की शोभा उसके कंगूरों से और उसके रंग रोगन से नहीं होती, बल्कि उसमें रहने वाले नर नारियों और बच्चों की किलकारियों से होती है। किसी तालाब की शोभा उसकी गहराई से या उसकी लंबाई चौड़ाई से नहीं होती, बल्कि उसमें भरे हुए पानी और खिले हुए कमलों के फूल से होती है। ठीक उसी प्रकार किसी सभा की शोभा अच्छे वक्ता से नहीं होती, बल्कि प्रबुद्ध श्रोताओं से होती है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि न केवल प्रबुद्ध श्रोता ही हैं, बल्कि यहाँ प्रबुद्ध वक्ता भी हैं। इसलिए आज की सभा में चार चांद लग जाते हैं। मुझे आदेश दिया गया संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब के बारे में, मैं पहली बात तो उनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि ऐसा महापुरुष शायद इस धरती पर पहले कभी हुआ नहीं, और न आज है और न भविष्य में कभी होगा। कबीर साहब के बारे में मैं इंग्लैंड गया था, ग्रेट ब्रिटेन में सेंट कबीर एंड हिज वीजा की टू माय टॉपिक, मैंने इस पे वहाँ प्रवचन किया था। टोनी ब्लेयर उस समय वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। वहाँ मुझे एक प्रोफेसर मिली, महिला प्रोफेसर, अमेरिका की थी। उसने कहा कि मैंने भारत के तमाम मध्यकाल के तमाम संतों की का अध्ययन किया, और उस अध्ययन के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि भारत के मध्यकाल के जितने भी संत थे, चाहे मीरा हो, चाहे तुलसी हो, चाहे सूर हो, दादू हो, दरिया हो, पलटू हो, जितने भी संत महात्मा मध्यकाल के हिंदी साहित्य के मध्यकाल के जितने भी संत हैं, उन सब संत वो सब संत एक पंक्ति में खड़े, एक कतार में खड़े हैं। और मैं देखती हूँ कि कबीर अकेले एक व्यक्ति है जो अलग खड़े हैं, अकेले वो। इधर जितने भी संत खड़े हैं, जितने भी, वो सब आकाश की तरफ उंगली करके खड़े हैं, और वो सब कह रहे हैं कि तुम्हारा मुक्तिदाता आकाश में है, तुम्हारा मोक्षदाता आकाश में है, तुम्हें बंधनों से छुड़ाने वाले आकाश में है। लेकिन कबीर की उंगली आकाश में नहीं, कबीर साहब की उंगली उनकी जिगर की तरफ है। और वो कहते कि दिल में खोज, दिल ही माँ खोजो, इहे करी माँ रामा। अरे तुम्हारा मुक्तिदाता तो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है, कहाँ आकाश में है। मैं दंग रह गया उस महिला की बात सुन करके। मैंने गजब की खोज करी, आपके रिसर्च को मैं बधाई देता हूँ। आप देखते हैं कबीर साहब की वाणियों में कभी भी आपने ये नहीं देखा सुना होगा कि उन्होंने अपनी बात ऐसा यह नहीं कहा कि मैं किसी ईश्वर का दूत हूँ इसलिए मेरी बात मानो, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ इसलिए मेरी बात मानो। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मेरे द्वारा जो बात कही जा रही है उसको आप मानो, मेरी अपनी परंपरा की बात है उसको मानो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। उनका कि अपने विवेक के कसौटी पर कस करके जो बात सही उतरे आप उसको मानो। जबकि दुनिया के अन्य तमाम महापुरुष के नाम लेने कोई अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन तमाम धरती के जितने भी महापुरुष हुए सब कहते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, तो मेरी बात माननी पड़ेगी क्योंकि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। कबीर साहब ने यूँ नहीं कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। कोई कहता कि मैं ईश्वर का दूत हूँ, पैगंबर हूँ, इसलिए मेरी बात मानिए। कबीर साहब ऐसा नहीं कहते कि मैं ईश्वर का पैगंबर हूँ इसलिए मेरी बात मानिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं तो ईश्वर का अवतार हूँ इसलिए मेरी बात मानिए। कबीर साहब ने यूँ नहीं कहा कभी भी कि मैं ईश्वर का अवतार हूँ इसलिए मेरी बात मानिए। उन्होंने कहा कि मैं तो एक मानव हूँ, मनुष्य हूँ, मेरी बात आपको खरी लगे तो आप मानिए वरना मत मानिए। और कबीर साहब इस प्रकार मंच पर बैठ करके व्याख्यान नहीं करते थे, उपदेश नहीं करते थे। वो कहते हैं मैं कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। कबीर साहब बीच बाजार में खड़े होकर के कहते थे और सबकी खैर मनाते थे। आप उनके भजनों की अंतिम पंक्ति पर गौर करें, वो क्या कहते, कहे कबीर सुनो भाई साधो। अरे तू तो मेरा भाई है, तू साधु है,
चाहे आप कुछ भी अनशन काम कर रहे हैं, फिर भी कबीर साहब के दिल में कितनी उदारता, कितनी विशालता, कितनी दया भाव भरी हुई है कि वो कहते तू तो मेरा भाई, कहे कबीर सुन भाई साधु, अरे तू तो साधु है, कहे कबीर सुनो भाई संतों, ये बात कभी किसी ने कही हो तो बताइए, किसी संत ने नहीं कहा, वो कह जो भी संत कहते तुम तो चरणों मेरे चरणों के सेवक बनो, मेरे दास बनो, मेरे गुलाम बनो, तब मैं तुम्हारे को कुछ उपदेश दूंगा। कबीर साहब तो यहाँ तक कहते हैं दादा भाई बाप के लेखो, अरे तू तो मेरा दादा है, पिता का भी पिता है, दादा भाई बाप के लेखो, अरे तू मेरा बाप है रे भैया, दादा भाई बाप के लेखो, चरणन हो बंदा, मैं तेरे चरणों की वंदना करता हूँ। बोलिए धरती के किसी महापुरुष ने ऐसी बात कही है जो अपने चरणों की वंदना करने के लिए तैयार है? दादा भाई बाप के लेखो, चरणन हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंदा। सदगुरु कबीर साहेब एक कुशल किसान की तरह है, एक किसान अपने खेत में हल बखर चलाता है, ट्रैक्टर घुमाता है, उसकी तमाम खरपतवार को बाहर निकालता है और इसके पश्चात उसमें बीज और बीजारोपण करता है। कबीर साहब ने भी हमारे दिमाग में जितना कूड़ा करकट था उस सब खरपतवार को वो बाहर निकालते, तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत रिद्धि सिद्धि जप तप जितने भी हैं आकाशी बातें हैं उन सब की खरपतवार को कबीर साहब ने बाहर निकालने का काम किया। वो कुशल किसान है इस आध्यात्मिक जगत के, और उसके पश्चात हमारे भीतर सत्यशील दया धीरज विचार के बीज बोए, पारक का बीज बोया। सदगुरु कबीर साहेब एक कुशल चिकित्सक की तरह है, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की तरह है, जैसे किसी के फोड़ा हो जाए शरीर पर, उस फोड़े के चीर फाड़ करते हैं डॉक्टर, चीर फाड़ जब उसके करते ऑपरेशन करते हैं, कभी कभी वो मरीज डॉक्टर को धक्का मार देता है और कोई मरीज तो इतना परेशान हो जाता है कि डॉक्टर के बेचारे के दे भी पारता है, उसके चांटा मार देता है, लेकिन डॉक्टर इन चीज़ों की परवाह नहीं करता है। वो कह जानता है कि यदि इसके मवाद नहीं निकाला जाएगा तो बीमारी बढ़ती जाएगी, फिर इसका हाथ पैर काटना पड़ जाएगा, इसलिए वो सहन करता है। सदगुरु कबीर साहब के बारे में आपने सुना होगा, 52 कसनियाँ जो बताई जाती है वो एक अतिशोक्ति बात है, लेकिन कबीर साहब को तंग किया गया, वो स्वयं कह रहे अपनी वाणियों में, संतो देखत जग बोराना, अरे सांच कहूँ तो मारन धावे, ये बात कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं। तो कबीर साहब के साथ ये हुआ, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से डॉक्टर ऑपरेशन करके भीतर का तमाम मवाद निकाल देता है, ठीक इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने हमारे दिमाग में जो मवाद है अंधविश्वासों का, ढोंग पाखंड का, धर्म और ईश्वर के नाम का, जितना भी अंधविश्वास था उस मवाद को बाहर निकालने का काम किया। सदगुरु कबीर साहब आध्यात्मिक जगत के एक वैज्ञानिक हैं, हम उनको वैज्ञानिक कह सकते हैं। वैज्ञानिक अपने दिमाग से खोज करता है, नई नई चीज़ों की खोज करता है, वो कहीं किसी गुरु के पास नहीं जाता है, वो अपने स्वयं के अनुभव से वो खोज करता है और नई नई नए नए आविष्कार कर डालता है। ठीक सदगुरु कबीर साहब ने भी यही कार्य किया, उन्होंने अपने विवेक बल से उन्होंने पारक सिद्धांत की खोज कर की है, उसके लिए कोई गुरु नहीं किया। ये बात एक अलग है कि वो गुरु माना जाता है उनके बारे में कि कई प्रकार के विद्वान, मैं विद्वानों से जो मैंने राम कुमार वर्मा और मैंने तमाम साहित्यकारों के भी मैंने मुलाकात करी और उनकी पुस्तकें पढ़ी, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वो केवल परम्परा की बात करते हैं। जो अपने गुरु जो प्रोफेसर है जो उनके जो है, मैंने भी 5-5 विषयों में MA कर रखा है, मैं PhD कर रखा है, तो मैं जानता हूँ कि वो एक लीक पर चल कर के बात करते हैं। अरे कबीर साहब ने अपने अनुभव से ये किया, जो भी पारक सिद्धांत है वो अपने अनुभव से किया। यहाँ हमारे बीच में विद्वान है, मैं भी विद्वानों की बात को सुनना चाहूँगा और उनकी बातों को सुन करके मैं यहाँ आया था, इसलिए कि उनकी बातें सुन करके मैं फिर नया लेखन कार्य करूँगा। मेरे विचारों के बारे में यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं, कबीर साहब की जीवनी मैंने लिख रखी है 140 पेज की, आप उसमें देखिएगा कि संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से मतलब ये ढोंग पाखंड के बारे में, ईश्वर और धर्म के ठेकेदारों को बीच चौराहे पर जाकर
जाकर ललकारा और कहा कि भाई इस समाज को धोखा मत दो। इसलिए वो एक ही बात कहते हैं, उनकी पंक्ति कबीर साहब के भजनों में अंत में पंक्ति आती है कि संतो कहें कबीर सुनो भाई संतो, क्योंकि संत महात्मा और जगत गुरु सदगुरु यदि ये भटक गए तो समाज भटकेगा। इसलिए वो संतों को राह दिखाते कि संतों आप सही मार्ग पर चलेंगे तो समाज सही मार्ग पर चलेगा। मैं अंत में आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सदगुरु कबीर साहब के बारे में साहित्यकारों ने और अन्य मत पंथों ने भी बहुत उटपटांग बातें लिख रखी है कि वो विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, कुंवारी ब्राह्मणी के पुत्र थे, कोई के रामानंद के फपोल हाथ के फपोले से पैदा हुए। अरे ये सब बेकार की बातें हैं। कोई के सत्पुरुष आकाश में वहाँ से नूर के गोले के रूप में उतरा, ये सब एक अतिशयोक्ति है, श्रद्धा है, अंधश्रद्धा। जब श्रद्धा अंधश्रद्धा में बदल जाती है तो फिर कारण कार्य की व्यवस्था पर वो विचार नहीं कर पाते हैं। हमें कार्य कारण के नियमों का पालन करना चाहिए, प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए और उनके अनुसार सोच विचार करना चाहिए। कबीर साहब के माता पिता हमारे सनात साहब यहाँ विराजमान है, उन्होंने ये सिद्ध करके बताया कबीर साहब ना तो विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए ना कुंवारी ब्राह्मणी से पैदा हुए। अरे क्या उस जमाने में क्या ये ब्राह्मणों की लड़कियाँ क्या इतनी बचलन हुआ करती थी कि कुंवारेपन में या विधवापन में ही गर्भवती हो जाया करती थी? बहुत गलत है, इस प्रकार से ना हो कभी हुआ है। सदगुरु कबीर साहब के माता पिता कौन थे इसके बारे में कहीं कोई ये शोध का विषय है, लेकिन शोधकर्ता विवेक से काम लें और निष्पक्ष भाव से लें और तटस्थता से काम करें तो वो सही होगा। माता पिता कौन थे ये बात सेकेंडरी मैटर, ये द्वयम दर्जे की बात है। द्वयम दर्जे की बात को हम ये नहीं करें, हम को केवल कबीर साहब के कबीर साहब क्या कहना चाहते थे, समाज को क्या देना चाहते थे, उस बात पर ज़्यादा विचार किया जाना चाहिए। लेकिन विद्वान लोग उनके माता पिता के ने उनके गुरु कौन था ने उनकी पत्नी कौन थी ने लोई ने कमाल ने कमाली ने दुनिया भर की कल्पनाओं का जाल जंजाल फैला दिया। ये सब नहीं, कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कभी शादी नहीं की, वो अखंड ब्रह्मचारी थे। अरे यदि वो ऐसा होते तो वो काय को कहते माया माँ ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी, केशव के कमला हो बेठी। ऐसे कई पद हैं। कबीर साहब ब्रह्मचारी थे, अखंड ब्रह्मचारी थे, उन्होंने शादी नहीं की, ना उनकी कोई लोई पत्नी थी, कमाल कमाली उनके पुत्र पुत्री नहीं थे, वो सदगुरु थे। मैं ऐसे सदगुरु संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब को पुनः नमन करता हूँ। मेरी बातों में कुछ कटुता हो सकती है और कटुता का कारण ये हो सकता है क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का मैं मानस पुत्र हूँ, उनकी तरह उन्होंने जिस तरह से कठोरता से कटुता से जो बातें कही कठोर शब्दों में कही, तो चूंकि उनके संस्कार मेरे भीतर उतरे हैं तो मैंने भी कुछ कटु बात कही हो तो आप मुझे अपना ही भाई समझ करके क्षमा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप सबको धन्यवाद, धन्यवाद। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। एक बार दोनों हाथ ऊँचे करके संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की जय जयकार करेंगे। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की। आपसे आवाज तो तेज मेरी है पर ये माइक की वजह से, पर एक बार और जरूर मुझसे बोले ताकि ये अपना पूरा पांडाल तो नहीं, पांडाल ही क्या, पूरा प्रीतम नगर तक पहुंच जाए और सुलेमसरा तक पहुंच जाए। मैं तो कह रहा हूँ पूरा इलाहाबाद कबीर साहब की जय जयकार से गूंजे। अरे इलाहाबाद क्या, पूरा भारत गूंज उठे, पूरा ब्रह्मांड कबीर साहब की जय जयकार से गूंज उठे, ऐसी आवाज लगाइए। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। माफ़ी चाहते हैं हम लोग थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए। हमारे बीच में कुछ प्रमुख लोग आए हैं, हमारे वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध संत
स्वामी केशवानंद जी महाराज गुजरात से आए हुए हैं, एक सुअवसर है, आपके आशीर्वचन सुनने को मिलेंगे हमें। डॉक्टर दीनानाथ जी हमारे बीच में आए हुए हैं। दीनानाथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में हैं और मेरे मित्र हैं, प्रिय हैं। दीनानाथ आपसे निवेदन है कि आप अपनी बात रखें, शुरू करें। आदरणीय संत समाज और आप सब यहाँ उपस्थित जितने भी संत हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि बाहर गेट पे इतनी अपार भीड़ के बावजूद पुलिस और प्रशासन के नाम पे केवल 3-4 लोग मुझे दिखाई पड़े। और यह आज के समय में बहुत सुखद स्थिति है कि जब आप अपने पे आप नियंत्रण रखते हैं और किसी आराध्य के प्रति आप अपना विश्वास प्रकट करते हैं तो कितनी शालीनता और अनुशासन अपने आप हमारे अंदर आ जाता है। एक तो पोडियम पे बोलने का दो आशय है, पहला तो यह कि खड़े होकर बोलने की थोड़ा सा आदत है हम विद्यार्थियों की, दूसरा यह कि अभी मैं अपने आप को उस आसन के करीब नहीं पाता हूँ, उस अनुभव के साथ नहीं जोड़ पाता हूँ जितना अनुभव इस मंच पे सदे हुए लोगों का है। कबीर ने कागज़ लेखी के बजाय आखन देखी की बात कही थी, लेकिन कबीर का परिचय हमारा सुनने के साथ हुआ। हम अपने गांव देश में आसपास पड़ोस में कबीर को सुनते हुए बड़े हुए और उस सुनने के क्रम में फिर कबीर हमारे पढ़ने के कक्षाओं में, पढ़ने की कक्षाओं में सामने आए। और इस रूप में हमारा जो कबीर, हमारा अपना जो कबीर निर्मित हुआ वह उस लोकमानस से लेकर के स्कूली शिक्षा तक समान रूप से व्याप्त रहा। यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे दो तरह की स्थितियाँ हैं, एक तो यह है कि बहुत सारा भय मिश्रित आनंद भी है, भय इस बात का कि जहाँ पे कबीर दर्शन को लेके, कबीर की फिलॉसफी को लेके, कबीर के तमाम पहलुओं को लेके, उनके सांस्कृतिक आयाम को लेके बात हो रही है उसमें मैं अगर कुछ दखल दूँ कि कबीर का दर्शन कैसा है तो यह मेरा एक दुस्साहस होगा। कबीर की कविता के जरिए जितना हमने कबीर को जाना है, जितना हमने कबीर को समझा है उस पर मैं थोड़ी बहुत बात करूँगा। वो बहुत संकोच है और आनंद इस बात का है कि इतने बड़े संत समाज के सामने मुझे यह अवसर मिला और देवेंद्र जी का बहुत बहुत आभार कि इसके लिए उन्होंने चुना मुझे। कबीर की या किसी भी बड़े कवि की कविता की महानता, जैसा कि मुझे लगता है और मैं समझ पाता हूँ, कि उसके व्यक्तित्व से अलग हो जाना। जब हम अपने लोकमानस में यह समझते हैं, जो पढ़ते हैं उसमें यह देखते हैं कि कबीर की कविता जब हमसे जुड़ती है तो वह कहने और सुनाने की कविता होती है। कबीर हमेशा इस आवेश में रहते हैं, कबीर हमेशा यह कहने के मूड में होते हैं कि कहे कबीर सुने भव साधु, यानी मनुष्यता के उस बिंदु की तलाश करते हैं जहाँ पे हमारा ईश्वर प्रदत्त रूप जो शैलियाँ हैं, अनुभव की जो तरीके हैं, एक तो होता है कि हम पढ़ लिख कर सीखते हैं, हम देख के सीखते हैं, और दूसरा होता है कि हम सुन के सीखते हैं। सुनने की जो प्रक्रिया होती है वह ईश्वर प्रदत्त है और कबीर ने उस बुनियादी आयाम पर अपनी बात रखी है, इसलिए उनके पदों में हमेशा यह मिलता है कि कहे कबीर सुनै भय साधु। उनकी कविता कहने और सुनाने की कविता के रूप में सामने आती है। आज के इस समय में जब हम देखते हैं कि कथनी और कथनी में ही भेद है, कोई अभी एक क्षण पहले कोई बात कही जाती है और दूसरे क्षण बाद उसी बात से मुकर जाने की एक तरीका ढूंढा जाता है, तो ऐसे समय में जब कथनी और कथनी में ही भेद है तो कथनी और करनी के अभेद की बात कबीर अपनी कविताओं में करते हुए नजर आते हैं। और इसी क्रम में जिस चेतना का वो निर्माण करते हैं वह मनुष्यत्व की एकता की चेतना कही जा सकती है।
हम देखते हैं कि तमाम तरह के भ्रम इस रूप में समाज में और सांस्कृतिक रूप से खड़े किए जाते हैं, जिसमें हम सारे लोग उलझते हैं। उलझते इस बात में हैं कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन तथाकथित ऊंची जात का है, कौन तथाकथित नीची जात का है। लेकिन कबीर इन तमाम सारे भ्रमजालों को तोड़ते हुए मनुष्य मात्र के हृदय में जो एक सूत्र दौड़ता रहता है उसकी तलाश करते हैं, इसीलिए वो प्रेम की बात करते हैं। कबीर की कविताओं में जहाँ तक हमने पढ़ा है, प्रेम का शब्द एक पूर्व केंद्रीय तत्व के रूप में आता है, और प्रेम की दुनिया जिसको कहा जाता है कि सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है, कबीर का प्रेम पूरे जमाने में फैलने वाला प्रेम है, जो भौगोलिक सीमाओं के परे जाकर, जातियों के परे जाकर, धार्मिक आडंबरों के परे जाकर मनुष्य को मनुष्य के रूप में जोड़ता है, और मनुष्य को मनुष्य के रूप में उसकी पहचान दिलाने का काम भक्ति काल के जितने भी कवियों ने की है, कबीर की वाणी उसमें सबसे प्रखर रही है। इस रूप में भी प्रखर रही है कि कबीर अपनी वाणी के जरिए न केवल अपने समाज को अपने जो तथाकथित रूप से उन आडंबरों से दूर रहने वाला एक समाज था, जो श्रमजीवी समाज जिसको हम कह सकते हैं, जिसको किसान समाज कह सकते हैं, जिसको अपने मेहनत पे भरोसा है एक ऐसा समाज कह सकते हैं, उसके बीच उस अध्यात्म की अलग जगा रहे थे, जिसके लिए आडंबरों का बहुत बड़ा घेरा तैयार किया गया था। और यह देखने में आता है और ऐतिहासिक स्थितियाँ इस चीज़ को बयां करती है कि समाज में बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ निर्मित की जाती है जिसमें कुछ एक थोड़े से लोग कुछ भ्रमों का संचार करते हैं। उस भ्रमों में यह है कि मूर्त पूजा, अब बाह्य आडंबर, इस तमाम तरह के क्रिएशन किए जाते हैं, तमाम तरह के निर्माण किए जाते हैं जिसमें व्यक्ति उलझ जाता है। कबीर की कविता कभी हमें समन्वय करना नहीं सिखाती है, क्योंकि समन्वय वही करता है जो कम से कम किसी धर्म को मान लेता है। कबीर मनुष्य धर्म के अलावा किसी धर्म को मान्यता नहीं देते हैं, यही कारण है कि वह हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो दोनों को फटकारते हैं और कहते हैं कि हमन तो इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद इस जग में हमन दुनिया से यारी क्या। कहते हैं कि हमारा जो फरिश्ता है, हमारा जो आत्मा परमात्मा का रिश्ता है, वह इन सांसारिक बाह्य आडंबरों से दूर है। लोग कहते हैं कि जब कबीर को अध्यात्म की चिंता थी, परमात्मा से जुड़ने का इतना ही चाव था, तो उन्होंने इन चीज़ों की निंदा क्यों की, वह अपने समाज को लेकर के उस परमात्मा से जोड़ने का प्रयास कर सकते थे। लेकिन अगर उस पूरी स्थिति को देखें जिसमें कबीर थे, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, कि तमाम भ्रमों को तोड़ने के लिए, उनसे हटाने के लिए एक वर्चस्व होता है, वर्चस्व अपने साथ बहुत सारे आयाम को लेकर आता है, बहुत सारे तरीके ढूंढता है, उन तरीकों को बगैर तोड़े हुए आप किसी भी अपने आस्था को, अपने विश्वास को सही रूप में नहीं पहचान सकते। और कबीर की कविता हमको यह विकल्प देती है कि उन भ्रमों के बावजूद हम उनकी कविता के जरिए उस अध्यात्म से जुड़ने का प्रयास करते हैं। लोक को कबीर ने बहुत बेहतर तरीके से अनुभव किया था, और इसीलिए बार बार वह कहते हैं कि मैं कहता आँखन की देखी। आँखन की देखी में बात यह है कि लोक में सारा कुछ, सब कुछ सही नहीं होता। कबीर उसको एक आलोचनात्मक नज़रिए से देखते हैं, निंदा के नज़रिए से नहीं देखते। आलोचनात्मक नज़रिए से इसलिए देखते हैं कि जो कुछ समय, जो कुछ सारणी, जो कुछ तरीके विकसित किए गए हैं, क्या सभी हैं? तो कबीर कहते हैं कि देखिए, इसमें बहुत भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। लोक का निर्माण भी किसी ऐतिहासिक प्रक्रिया में हुआ है, और उस प्रक्रिया को धीरे 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 खंडित करके, और हम एक समूची मानवता के लिए, मनुष्य प्रेम के लिए और मनुष्य की इयत्ता के लिए बात कर सकते हैं। इसीलिए लोक के कहते हैं कि लोका मत के भोरा। वो कहते हैं कि अगर हम काशी में मरें तो फिर राम को कौन सा निहोरा होगा, हमारा राम तो घट घट में व्याप है। वो कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जले समाना, यह तत् कहे ज्ञानी। उस आत्म और परमात्म के मिलन के लिए जो माया का बंधन है उसको तोड़ने के लिए कबीर आत्मा और परमात्मा के एकत्व की बात करते हैं। उनकी कविताओं में बार बार इस बात का प्रमाण मिलता है कि वो साखी, उनकी रचनाओं को साखी कहा गया। साखी क्या होते हैं, उसकी दार्शनिक उक्तियाँ क्या होती हैं, आप लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। कबीर के जो अनुभव हैं, कबीर की जो प्रश्न दृष्टि है, विश्व दृष्टि जिसको हम कहते हैं, जैसा कि वो लोग को समझते थे, उसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि भक्ति काल के जितने भी कवि हैं,
भक्ति काल में जब कह रहा हूँ तो जिसमें तमाम और कवि आते हैं उसमें कबीर की कविता में एक प्रश्नाकुलता दिखाई पड़ती है। प्रश्न करने की प्रवृत्ति कबीर की कविता में आती है और प्रश्न या जिज्ञासा उसका मूल होता है जहाँ से आप कुछ सोचना शुरू करते हैं। बताई गई बातों को और आप देखिए कि एक समाज ऐसा बिल्ड होता है, एक समाज ऐसा निर्मित होता है जहाँ पे हम प्रश्न करने का पर रोक लगाते हैं। छोटा बच्चा होता है उसको जब सवाल करता है तो हम उसको बदमाशी का नाम देते हैं। जिज्ञासा जब जो दुनिया में दाखिल हो रहा है वह दुनिया की सारी दुनियावी चीज़ों को समझ लेना चाहता है। कबीर की कविता इस दुनिया की तमाम हलचनों को तमाम चीज़ों को समझकर मनुष्य की एकता की बात करती है और मनुष्यता की बात करती है। इसी रूप में वह तमाम संस्थानों के प्रति सवाल खड़ा करती है। इसीलिए मैं कह रहा था शुरुआत में कि जब मैं यहाँ पे आया तो देखा कि कबीर की वाणी जिस रूप में आचरण में आती है वह कितने अनुशासित होकर लोग रहते हैं और कितने एक दूसरे का सम्मान करते हैं। वो मानते हैं कि इस चोले के अतिरिक्त भी कुछ ऐसा है जो हमको हमारे सामने वाले से एकत्व की भावना पैदा करता है। इसीलिए कबीर की कविता में कहीं तरह की समन्वय नहीं मिलता। कबीर एक श्रमजीवी वर्ग जो कामगार वर्ग होता है उसमें आत्म संतुष्टि या आत्म गौरव का बोध जगाते हैं। उनके यहाँ किसी तरह की आत्मदया का बोध नहीं होता है, अपने अंदर किसी गिल्ट की फीलिंग नहीं होती है। वह यह नहीं समझते हैं कि हम जो कामगार वर्ग हैं, हम जो मजदूर वर्ग हैं, वह अपने हाथ से किए गए काम के बावजूद उस ईश्वर के एकत्व की बात करते हैं। हाथ से काम करना कोई गुनाह की बात नहीं होती है और उसको करते हुए भी आप उस परमात्मा की तलाश कर सकते हैं। जिसकी इसीलिए कहा जाता है कि जब तक श्रमजीवी वर्ग अपने काम के प्रति जुड़ा रहेगा, आज के समय में आप देखेंगे कि पूंजीवाद का जो तरीका विकसित हो रहा है उसमें श्रम से अलगाव की बात कही जाती है। मजदूर मजदूर होता है और मालिक मालिक होता है। कबीर इस बात को तोड़ते हैं कि जो कामगार वर्ग है, जब तक हाथ से काम करने वाले लोगों की कद्र इस दुनिया में रहेगी, आप मानिए कबीर इस दुनिया में बना रहेगा। और कबीर उन लोगों में साहस पैदा करता रहेगा। कबीर जब मैं कह रहा हूँ तो कबीर हमारे लिए एक व्यक्ति अब नहीं रहे, कबीर एक विचार है। और हमारे लिए कबीर जो जन्म जिनका जन्म तारीख सन और ईस्वी में थे, सन और ईस्वी का कबीर हमारे पास नहीं है, लेकिन विचार और गीतों का कबीर, विचार और उन ध्वनियों का कबीर हमारे पास है जिसको आप गीत के रूप में गाते हैं तो वह वाणी गुंजारित होने लगती है जो एक श्रमजीवी वर्ग की पुकार होती है, जो श्रमजीवी वर्ग में एक गौरव का बोध जगाती है। कबीर की कविता हमारे सामने न्यूनतम मानवीय शर्त को रखती है। न्यूनतम मानवीय शर्त मतलब मनुष्य होने की जो न्यूनतम जरूरतें हैं, मनुष्य होना की पहली शर्त है और इस मनुष्य होने के क्रम में भी हम दूसरे को मनुष्य मानते हैं। इसलिए कबीर बार बार यह कहते हैं कि जो मनुष्य है उसका दूसरे के साथ रिश्ता किसी धर्म जात किसी आडंबर किसी ऊंच नीच इस सब के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मा के से मिलन के रूप में होना चाहिए। कबीर की कविता हमेशा हमको जगाती है। वो कहते भी हैं कि कबीर जागता रहता है, दुनिया सोती रहती है। कबीर को पता था कि इस दुनियावी संसार में समाज को जगाने के लिए, समाज में उस ईश्वर के प्रति जागरण पैदा करने के लिए तमाम सामाजिक सुधारों की ज़रूरत है। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ और हिंदी में कबीर को बहुत समाज सुधारक के रूप में बताया जाता है। और समाज सुधारक के रूप में इसलिए बताया जाता है कि जैसा अभी मैंने मंच से सुना कि जो बाधाएं आ रही हैं उनका एक ऐतिहासिक संदर्भ है और उस संदर्भ को दूर करने के लिए आप उस सामाजिक दायरे को जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप कुछ बात नहीं समझ सकते। मैंने कहा कि लोकमानस की गहरी पकड़ कबीर को थी और इसीलिए उनको कहने की उन्होंने जो शैली विकसित की उसमें बहुत सारे कबीर आपको उस बाल मनोवैज्ञानिक स्तर पर ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर व्यंग्य की सृजना करते हैं। व्यंग्य इस रूप में कि कबीर को उन वाणियों को लोगों ने उलटवासियाँ कहा, जहाँ पे कंबल बरसता है और बारिश भीगती है, जहाँ पे बंदर गायद होता है, जहाँ पे शेर जो है पान लगाता है बंदर की बारात में। जब इस तरह की उक्तियाँ भारतीय जनमानस के हृदय में जाती हैं तो वह कौंधता है। जैसे बच्चों को आप देखिए कि जो निर्जीव चीज़ें जब बात करती हैं तो कबीर आपको उस बाल सुलभ स्थिति में ले जाकर अपनी बात समझाते हैं। वो मानते हैं कि जो बच्चे का हृदय होता है, जो बाल सुलभ स्थितियाँ होती है, वह तमाम आडंबरों से मुक्त होती है और वहाँ पे जाके जब चीज़ें आपके दिमाग में बैठती हैं तो वह बहुत दूर तक जाती हैं और गहरे प्रभावित करती हैं। कई तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो खुद से संवाद करते हैं,
दूसरे वैसे होते हैं जो समाज से संवाद करते हैं, लेकिन तीसरे तरह का व्यक्ति वह होता है जो समाज से संवाद करते हुए भी खुद से लगातार संवाद की स्थिति में होता है, खुद से लगातार बातचीत करता रहता है। कबीर की कविता इस रूप में संवाद की कविता है, वह हमसे बातचीत करते हैं। साधो कहे कबीर सुनाए भय साधो, साधो को सुनाते हैं लेकिन अपने अंदर वो गुनते रहते हैं, उन स्थितियों को चुनते और बुनते रहते हैं हमारे लिए, और वैसे लोग की कल्पना कबीर इस ई लोक और उस पर लोक की जो कल्पना करते हैं उसमें केवल माया का बंधन है, और माया का बंधन जिसको मैंने कहा कि अर्थ संपत्ति, पूजी का संपत्ति, पूजी की प्रक्रिया, इन तमाम चीज़ों से परे जाके कबीर हमारे अंदर एक गौरव का बोध जगाते हैं। कबीर की कविता की प्रासंगिकता या कबीर की प्रासंगिकता तब तक बनी रहेगी, तब तक बनी रहेगी जब तक हम यह मानते रहेंगे कि मनुष्य होने की एकता ही इस संसार में आने की हमारी बुनियादी शर्त है, और उस बुनियादी शर्त के साथ ही कबीर की कविता हमको अपने साथ लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत हाँ। बहुत धन्यवाद दीनानाथ जी, पूरा पूरा हो गया, समय पूरा हुआ। वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर। दीनानाथ जी जो बोल रहे थे वो वही बात बोल रहे थे जो हम लोग बोलते हैं। हम लोग देहात की ज़ुबान में बोलते हैं, वो शहरी पढ़े लिखों की ज़ुबान में बोल रहे थे, और बातें वो वही कह रहे थे जो आपके साहब लोग बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीनानाथ जी।